सुबह के 9:30 बज रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छी नींद आई। खैर ये है अपर फ्लोर इस कोच का, सभी कोचेज में 2 लेवल होते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा और आगे जाके लाउंज, जबकि यहाँ पर मैं पूरा का पूरा दिन बिता सकता हूँ, ये इतना सुंदर है। और ये है डाइनिंग कार, ये एक्चुअली पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है नहीं तो इसलिए इस वक्त ये बंद पड़ा हुआ है। It has a bed here. This folds out. 2 people can sit there and then 1 here. मेरा सफर हो रहा है ख़त्म एमट्रैक का। तो खैर मुझे जहाँ पहुँचना था पहुँच चुका हूँ, यहाँ मैं कुछ दिन बिताने वाला हूँ। उम्मीद है एमट्रैक का ये जो सफ़र, मेरा जो सफ़र था, आपको भी पसंद आया होगा। और अगर आया है तो मौका अगर आपको मिलता तो ज़रूर करके देखिएगा, ट्रेन के सफ़र आमतौर पर अच्छे होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो बागवानी का शौक़ रखते हैं, गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, अपने फूलों से पत्तियों से और बहुत सारी चीज़ों के साथ में उनको जो सेटिस्फैक्शन होता है, मुझे कभी समझ में नहीं आया था। आज इसकी कटाई करते हुए, छटाई करते हुए मुझे अच्छा लगा और आज मेरे को वो समझ में आया। मेरे एक मौसा जी हैं, वो बड़ा शौक़ रखते हैं इन चीज़ों का, और मेरे नाना जी भी रखा करते थे। मेरे को समझ में आता नहीं था क्यों इतना। मेरी माता श्री हैं, उनको भी बड़ा शौक़ है वैसे तो, पर उनके पास हज़ारों और दूसरे काम होते हैं, वो वहाँ लगी रहती हैं, मगर ये आज करके मुझे अच्छा लगा। इससे मैं काट रहा हूँ ये जो पत्ती हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं, बेसिकली जो फेंस बनी हुई है उसको ट्रिमिंग कर रहा हूँ। जो दूसरा औज़ार है इसको बोलते हैं रेक। ये मेरे जो इसके पहले वाले होस्ट थे उन्होंने बताया था कि इससे कैसे काम किया जाता है। उसके बाद ये जो चीज़ है व्हील बैरो, इसमें ये सारी झाड़ झंकाड़ डाल के वहाँ पीछे फेंक देना है। Do you see how hard you're working? It's heavy. And then use the hay hook here. Hay hook, okay. All right. To pull it over onto there. Let me see if I can see you. I'm gonna show so that you can see when you're telling them that this is Bermuda. Yeah. Low calorie, low protein. And then this is what alfalfa looks like. Oh, okay. There. Oh, all right. Okay, this way. Yeah. So half for Prince, half for Jake. Because I've already given them half each. Yeah. So. मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे लिए घोड़े और खच्चर में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ आने के बाद
मेरे को अब घोड़े और खच्चर में भी फ़र्क करना थोड़ा सा आ गया है। और घोड़े घोड़े में भी इस घोड़े का नाम क्या, उस घोड़े का नाम, ये ऐसे बोल दिया करते थे कि इस घोड़े को ये खिलाना है, उस घोड़े को ये खिलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंस सबसे बड़ा घोड़ा है तो उसको, उसकी डाइट थोड़ी ज़्यादा है। अब समझ में कैसे आया, चलो वो तो बड़ा है लेकिन जो दूसरे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ गया। लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से घोड़े खच्चरों के बीच में रहने का मौका मिलेगा और उनके बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल रहा है। आज इतनी सारी घोड़े की लीद साफ की, आज कुछ ज़्यादा ही करी थी इन घोड़ों ने, और अब इनको फेंकने का टाइम है, डंप करने का टाइम है। ओके, दिस इज़ आर फर्स्ट ट्रायल रन हियर। ऑलराइट, सो इट डज हैव अ की, यस। परफेक्ट, नाउ यू हैव टू लिफ्ट अप द बकेट। आज आ गया मज़ा सच में ट्रैक्टर चला के। ज़िंदगी में पहली बार ट्रैक्टर चलाया, और क्योंकि ये मिट्टी ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर रिंग से क्या बोलेंगे इसको, इसमें भर नहीं पा रही थी, तो इसलिए अब इस मिट्टी को इस शावल से, इसे बोलते हैं फ्लैट नोज शावल, इस शावल से इसको, उसको भरा जाएगा और फिर इसको डाला जाएगा लॉन में। सवा ग्यारह, और
आज एक लंबे सफर पे निकले हैं। थैंक यू, थैंक यू। दैट्स गुड। दैट्स गुड। दैट्स गुड। ये सफर है दरअसल डगलस नाम की एक जगह का। ये जो जगह है ये है मेक्सिकन बॉर्डर पर और करीब 120 miles दूर है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्रीडिंग करनी है हमारी जो घोड़ी है रोजी, इसको हम लेके जा रहे हैं। आवाज आई पीछे? वो घोड़ी है हमारी, नाम है रोजी। इसको लेके जाना है, वहाँ छोड़ देंगे, 7 दिन वहाँ रहेगी, फिर उसको इसी पीछे जो गाड़ी है उसकी घोड़े की घोड़ी की उसी में लेके आना है, फिर से जाएंगे। मगर 120 miles जाना है। और अभी वो जो बात कर रहे हैं उनके हाथ में एक पेपर है, जिस पेपर में इस पूरे घोड़े की हिस्ट्री है कि इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, कहाँ से आई थी, क्या है, कौन सी ब्रीड है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। घोड़े घोड़ों के भी कागज़ होते हैं यहाँ पर। दिखाऊँ? दिखाता हूँ। Do you have that paper with you? Yeah. I want to show that on camera. ये है अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स एसोसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन ये दरअसल उस घोड़े का की जन्म पत्री, आधार कार्ड, सब कुछ यही है। बड़ा हैरान था मैं ये यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना इस एरिया का, मतलब ये जो घरों का आर्किटेक्चर है यहाँ, बहुत कुछ याद दिलाता है राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसलमेर की तरफ, बीकानेर की तरफ, बहुत ज़्यादा सिमिलर है यहाँ का आर्किटेक्चर। पीले रंग की जो दीवार अभी दिख रही थी मिट्टी की बनी हुई लग रही थी। एक चीज़ मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले बार जब मैं यूएस में आया था तो मैंने बॉस्टन से शुरू करके काफ़ी लंबा चक्कर लगाया था। पहली बार मैं इस तरफ आया हूँ, वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, तो ये एरिजोना जो सारा रेगिस्तानी एरिया है, यूएसए में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैंडस्केप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कई तरीके से। फिलहाल तो मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट है। इस मामले में इंडिया और यूएसए काफ़ी सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि हम थोड़े ज़्यादा पुराने हैं। मैंने कि एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा हुआ था ट्रैफिक फाइन डबल्स व्हेन इस तरह की कंस्ट्रक्शन जोन्स में। सही चीज़ है ना ये, हमारे यहाँ पर कितने सड़कों पर काम तो चलता ही रहता है हमेशा। अब जैसे यहाँ स्पीड लिमिट लिखी हुई 25 miles per hour, ये अच्छा है सिस्टम का। यहाँ ट्रैफिक फाइन ही डबल हो जाएंगे सीधा, लोग यहाँ पर इसके चक्कर में थोड़ा और ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। मेरे ख्याल से ये फाइंस वाला जो चक्कर है ना, ये होना चाहिए, बड़े होने चाहिए फाइंस। मैं तो उसके फेवर में हूँ, अगर आप नहीं हैं तो बताइएगा क्यों नहीं हैं आप। I'm sure.